आइए सुनते हैं वो कहानी जो ढाके के नजदीक रत्नापुर गांव में रहने वाले पति पत्नी जयदेव और कामिनी की है, जो कि माँ की अनन्य पुजारिन है। कामिनी अपने पति और बच्चे के साथ नवरात्रों में सप्तमी के दिन माँ के मंदिर माथा टेकने जाना चाहती है। के नजदीक रत्नापुर नगर सुख धाम था, रहती वहाँ थी कामनी जयदेव पति का नाम था। एक पुराना देवी का मंदिर था बाहर गांव के, पूजते थे श्रद्धा से नर नारी जहाँ पे गांव के। 1.5 साल का बच्चा था इकलौता उनका नौनिहाल, जिसकी खातिर भगवती को पूजते थे सोला सा। आए नराते तो मेला माता के मंदिर में लगा, सप्तमी का दिन था पत्नी ने पति से यूं कहा। मुन्ने को माता टिकाने मैंने मंदिर जाना है, काम से वापिस बताओ आपने कब आना है। आऊंगा संध्या समय जयदेव कहकर चल दिया, खुशी खुशी काम में अपने वो जाके लग गया। कामनी ने बच्चे को कपड़े नए पहना दिए, सब इकट्ठे पूजा के सामान उसने कर लिए। कामनी माँ की जितनी बड़ी भक्तिन थी, जयदेव भक्ति से उतने ही विमुक्त थे। उन्हें मूर्ति और मंदिरों पर जरा भी आस्था ना थी, वे इन्हें बेकार और बेजार पत्थर की मूर्तियां समझते थे। संध्या को जयदेव घर आए तो घबराए हुए, काम से व्याकुल थे दोनों हाथ फैलाए हुए। कामनी बोली सुबह से कर रही हूँ इंतजार, चलो माँ के दर्शनों को मैं तो बैठी हूँ तैयार। बोला झुंझला कर पति मैं थक गया हूँ काम से, चलूंगा फुर्सत मिलेगी जब मुझको तो आराम से। पत्थरों की मूर्तियाँ तो ये सभी बेकार हैं, इनकी भक्ति करने वाले भी सभी मक्कार हैं। कामनी ने हाथ जोड़े शांति से फिर यूं कहा, भगवती ही जाने स्वामी आपको क्या हो गया। जग जननी मैया को ऐ नाथ ना पत्थर कहो, जिनका है विस्तार जग में उनसे तो डर कर रहो। कामिनी की जिद के कारण जयदेव बच्चे को लेकर चल तो पड़ा, लेकिन वह खुद और बच्चे को मंदिर के अंदर ले जाने को बिल्कुल तैयार ना था, क्योंकि उसे भय था कि बच्चे ने सोने का हार पहना हुआ है और मंदिर के अंदर बहुत भीड़ है। झगड़ा करके दोनों बच्चे को लिए और चल दिए, एक गुस्से में था एक भक्ति में सर नीचे किए। माता के मंदिर में जा जयदेव बाहर रुक गया, चलो अंदर सर झुकाओ कामनी ने फिर कहा। बोला इस पाखंड से मैं कामनी बेजार हूँ, जगह जगह झुकने को हरगिज ना तो मैं तैयार हूँ। कामनी ने ये कहा अच्छा नन्ने को लाओ इधर,
झुका कर माँ के चरणों में अभी चलते हैं घर। पति ने बोला बच्चे ने सोने का पहना हार है और मंदिर के भी अंदर भीड़ बेशुमार है। नन्हे को इस हाल में तुम रहने दो मेरे ही पास, मुझको तो इन बातों पर नहीं है रत्ती भर विश्वास। कामनी अकेले ही मंदिर में जाके माँ से अपने बच्चे और पति के लिए प्रार्थना करने लगी और आशा की कि मेरे पति स्वयं मुझे कभी तेरे दरबार तक लेकर आएंगे क्या माँ। सुन पति की बात को आंखों से आंसू बह गए, भाव श्रद्धा के सभी फिर दिल के दिल में रह गए। रोती मंदिर में गई माता के आगे सर झुका, देख कर अपमान माता को घबरा कर यूं कहा, जग जननी दाती मेरे नन्हे की रखवाली कर, लड़का वह मासूम है बाहर खड़ा माँ तेरे दर। मेरे स्वामी जी की बातों पर ना देना ध्यान तुम, हम अनाथों पर हमेशा रहना मेहरबान तुम। मैया मेरी जिंदगी में वह भी दिन क्या आएगा, श्रद्धा भक्ति से मेरा स्वामी मुझको खुद लाएगा। सर झुका मंदिर से बाहर आई ले अरमान को, श्रद्धा और भक्ति में करती दाती के ही ध्यान को। मंदिर में कंजके बिठाकर जब वे घर लौटे तो रास्ते में ही नन्ना बच्चा सो गया और जयदेव ने घर आकर उसे झूले में सुला दिया। पति को भोजन करा के कामनी जब भोजन करने लगी तो बरबस उसे मुन्ने की याद आई। इतने में कुछ छोटी छोटी लड़कियां आई वहां, नन्ने को गोदी लिए जयदेव ठहरा था जहां। कामनी ने सबके हाथों पैसा पैसा रख दिया, भगवती की लाडली कन्याओं को खुश कर दिया। गुस्से से जयदेव बोला जल्दी से अब घर चलो, इनको देकर दान ये पैसा ना तुम जाया करो। नन्हे को कंधे लगा वहां से रवाना हो गया, रास्ते में आते आते नन्ना बच्चा सो गया। घर में आ जयदेव ने झूले में उसे लिटा दिया, एक दो देकर हुलारे बच्चे को फिर सुला दिया। पति को खाना खिला के जब कामनी खाने लगी, लाडले की याद उसको ममतावश आने लगी। यह वो आंख पथराई हुई पीट कर बोली ये हाय कैसा धोखा हो गया, मेरा नन्ना मौत की गोद में क्यों सो गया। आ गया जयदेव भी रोता हुआ तकदीर को, कर सका ना सहन हाय हृदय की इस पीर को। रात को बारात था सन्नाटा सा छा गया,
कामनी कहने लगी अब रखा है क्या रोने को, सो रहा है झूले में बच्चा मेरा तो सोने दो। कामनी को मुन्ने की मौत का यकीन ना हुआ, वह जानती थी कि माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती। उसके पति के अभिमान का सिला मेरे नन्हे बच्चे को कैसे दे सकती है ये मेरी माँ। आज तक पूजा है मैंने माता की तस्वीर को, छीन सकती ही नहीं माँ मुझसे लौकड़े वीर को। सर को झूले पर रख बच्चे के मुंह को चूम कर, फाड़ आंखें देखती थी इधर उधर वो घूम कर। आहा भर कर कामनी ने रोते रोते यह कहा, मैया मेरे नन्ने को ले जा रही हो तुम कहाँ। जग जननी मैया मेरी गोद को खाली न कर, दोषी को कर दे क्षमा और दया करो कुछ दास पर। दर्शन ना करने दिए इस हार के अभिमान ने, कुछ गुनाह तेरा किया ना इसकी नन्नी जान ने। छीन लो सब कुछ ये धन दौलत मेरा दाती मगर, मुझसे ना छीनो ए मैया यह मेरा लखते जिगर। कामनी और जयदेव सारी रात अपने नन्ने की लाश को देख देख कर रोते रहे। भोर होने लगी, अष्टमी का दिन आ गया और एक कन्या कामनी के घर आकर कंजका बैठाने के लिए कहने लगी, मेरा आंखों का उजाला छीन कर अंधा ना कर, दात दीपक के बिना हो जाएगा ये सूना घर। रो रहे थे देख झूले में पड़ी उस लाश को, चमन वो पा लेता सब कुछ जिसे तेरा विश्वास हो। रोते रोते रात बीती और जब दिन ये चढ़ गया, कामनी ने देखा रंग बच्चे का नीला पड़ गया। जिस्म था अकड़ा हुआ सब अंग ठंडे ठार थे, पति पत्नी रो रहे बैठे वह जा रोजार थे। अष्टमी का दिन था बच्चे शोरगुल करने लगे, थालियां हाथों में लेकर घर से घर फिरने लगे। छोटी छोटी कन्याओं ने पहने थे कपड़े नए, लोग अपने घरों में थे शक्ति पूजन कर रहे। जोत घर घर जल रही थी, होता जय जयकार था, कामनी के घर मगर छाया हुआ अंधकार था। लाश झूले में थी माँ रो रो के थी घबरा रही, इतने में एक नन्नी कन्या दौड़ती वहाँ आ गई और कहा, मासी जी तुम कब जोत घर में जगाओगी, कंजक लेने के लिए तुम कब मुझे बुलवाओगी। मैं अभी दो घरों से होकर जल्द यहाँ पर आऊंगी, तुम जलाना जोत तो जयकारे मैं बुलवाऊंगी। थी पड़ोसन की वो लड़की कामनी ने प्यार से, देखा लड़की की तरफ बोली उसे पुचकार के, भगवती ही जाने क्या किस्मत का मेरी फेर है, क्या जलाऊं जोत मेरे घर।
घर हुआ अंधेर है। कुछ ना समझी राज वो कन्या थी 5 साल की, दुख भरी ना बात जानी कामनी के हाल की। बोली मैं जाती हूँ मुझको हो रही अब देर है, 10 बजे आऊंगी मासी देखो अभी सवेर है। मेरे आने तक तभी तैयार ही हो जाना तुम, देखना घर आई कन्या खाली ना लौटाना तुम। इतना कहकर घर से उतरी नीचे कन्या दौड़ कर, कामनी बोली पति से एक ठंडी आहब थी, आशा आपकी मेरा कलेजा चिर गया, नन्हे की इस मौत से मेरा नसीबा फिर गया। होना था सो हो गया, रखा है क्या अफसोस में, उठो आंसू पोंछो और आ जाओ जरा अब होश में। कामनी पति जयदेव से बोली, आपकी अश्रद्धा के कारण ही मेरा नसीबा फिर गया है, अब आप नन्हे की मौत की खबर किसी को मत दीजिए, क्योंकि घर घर माँ भगवती की ज्योत जग रही है। नन्ना हमसे छिन गया ना किसी को ये खबर दो, ज्योत घर घर जल रही कोई ये सुनकर दुखी ना हो। आप भी सौदा ले आओ जाके अब बाजार से, मैं न मुँह फेरूंगी हरगिज मैया के दरबार से। टाल कर कपड़ा मेरे नन्ने का मुखड़ा मोड़ दो, दिल करो मजबूत अब ममता का बंधन तोड़ दो। रूठा है नन्ना तो रूठे दाती ना रूठे मगर, ज्योत दाती की जलाऊंगी मैं अब करके सब। सीने पर पत्थर धरा जयदेव ने परेशान हो, कामनी को ला दिया सब पूजा के सामान को। चेहरे पर थी झूठी हंसी दिल मगर गमगीन था, गिड़गिड़ा कर रो रहा जयदेव अति ही दीन था। एक तरफ झूले में नन्ही लाश, दूसरी तरफ दोनों पति पत्नी, माँ की जो जगा, कंजकों के चरणों को धुला, तिलक लगा, ये सारा विधि विधान कर रहे थे। तभी एक कन्या ललकार कर बोली जोश में, क्या लाश बेटे की पड़ी पंगूड़े में थी सो रही, फिर भी घर में श्रद्धा से शक्ति की पूजा हो रही। कांपते हाथों से देखो जब जलाई ज्योत वो, भगवती ने ज्योत में देखो मिलाई ज्योत वो। 10 बजे बोला जयकारा कन्या दौड़ी आ गई, खुशी में हंसती हुई बैठी वो यूं कहने लगी, लाओ मेरे सामने जो रखनी है बेटा धरो, मैंने औरों के भी घर जाना है अब जल्दी करो। कामनी ने रोते रोते तिलक कन्या को किया, चरण धो जयदेव ने श्रद्धा से चरणामृत किया। हाथ जोड़े पति पत्नी ने किया जय जयकार, तब खड़ी होकर कन्या बोली जोश में ललकार, तब मेरा लौकड़ा कहाँ है उसे बुलाओ। इतना सुन कामनी रो रो कर
गिड़गिड़ाने लगी, माँ के चरणों में गिरकर कहने लगी, माँ तेरा बच्चा तो इस दुनिया में रहा ही नहीं, वो तो इस दुनिया से चला गया है माँ। कहाँ है मेरा लौकड़ा है, क्यों अभी आया नहीं, मुझको बुलवाया है तो क्यों उसको बुलवाया नहीं। इतना सुनकर कामनी के हृदय में ममता बड़ी, कन्या के चरणों में माता माता कह के गिर पड़ी। लौकड़ा तेरा भवानी गोद खाली कर गया, माँ मैं सच कहती हूँ तेरा नन्ना बच्चा मर गया। इतना सुनकर हंस पड़ी दाती, कहा उन दोनों को मुझ पे निश्चय रख के मेरे बच्चे को आवाज दो। चीख कर दोनों चिल्लाए, नन्ने बेटे आओ आओ, माँ बुलाती है तुम्हें चरणों में आकर सर झुकाओ। भगवती की दया देखो फिर नसीबा जग गया, कामनी के सीने से आकर के बच्चा लग गया। आप जानते हैं माँ भगवती कामनी की भक्ति से पूर्णतः संतुष्ट थी, और ना ही वो बच्चे की जान लेना चाहती थी, वो तो केवल जयदेव की परीक्षा लेकर उसके अंदर भक्ति जगाना चाहती थी। बेटा पाने की खुशी ऐ चमन हो कैसे बयान, घर बसा कर भगवती झट हो गई अंतर ध्यान। कौन कहता है कि मैया कष्ट मिटाती नहीं, कौन कहता आवाज सुन आती नहीं। बेटे ही श्रद्धा से ना उसको बुलाना जानते है, बसी घट घट में वैना इतना ही पहचानते। उसकी भक्ति में चमन तू हर वक्त ही मस्त रहे, पौना वाली माता जी तेरी सदा जय जय कहे। मंदरा वाली माता जी तेरी सदा जय जय कहे, लाटा वाली माता जी तेरी सदा जय जय कहे।